ट्रेन में सफर के दौरान और प्लेटफॉर्म पर यात्रियों को चाय और खाना अब मिट्टी के बर्तनों में मिलेगा। रेल मंत्रालय के आदेश के बाद गोरखपुर, लखनऊ, आगरा और वाराणसी समेत पूर्वोत्तर रेलवे के सभी प्रमुख स्टेशनों पर मार्च से मिट्टी के बर्तनों में खाने का सामान परोसने की सुविधा शुरू हो जाएगी। इसके लिए रेलवे कुम्हारों के समूहों से संपर्क साधने में जुट गया है। रेलवे बोर्ड वाराणसी और रायबरेली से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी शुरुआत करने जा रहा है। अगर सब कुछ सही रहा तो देश भर के ए और बी श्रेणी के 400 रेलवे स्टेशनों पर यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने स्टेशनों पर कुल्हड़ में चाय की व्यवस्था लागू की थी। कुल्हड़ का चलन शुरू जरूर हुआ था, लेकिन प्लास्टिक के कप और प्लेट में गुम होकर रह गया। रेलवे स्टेशनों पर मिट्टी के बर्तनों का यह सुझाव खादी ग्रामोद्योग बोर्ड काई की ओर से आया है। इससे कुम्हारों को भी रोजगार मिलेगा। IRCTC वैसे अब इको फ्रेंडली प्लेटों में खाना परोसने का काम शुरू कर चुका है। रोजाना करीब 20 लाख एल्यूमिनियम कैसरोल की जरूरत पड़ती है, इसलिए सभी ट्रेनों में इको फ्रेंडली प्लेटों में खाना परोसने में समय लगेगा। फिलहाल राजधानी शताब्दी समेत अन्य ट्रेनों में इको फ्रेंडली प्लेटों में खाना दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।